नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया। देश को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव का 17वां संस्करण बीत चुका है। ऐसे में जरूरी है कि हम वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों का एक तुलनात्मक अध्ययन करें और आपको ये बताएं कि आखिर इन 75 सालों में भारत की तस्वीर कितनी बदली है और भविष्य में भारत के लिए किन किन क्षेत्रों में संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पराधीन मनुष्य खूंटे पर बंधे उस जानवर के समान होता है जो चाहकर भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। हम भी 200 सालों तक अंग्रेजी हुकूमत के पिंजरे में कैद रहे और कठिन संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को खुली हवा में सांस ले पाए। ऐसे हमने अंग्रेजों के चंगुल से आजादी तो पा ली, लेकिन इतने लंबे वक्त तक गुलामी में रहते हुए हमारे पंख कट चुके थे। अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले अपने इस देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि अंग्रेजों की यातनाओं के बावजूद भी हमने अपने पैरों को मजबूत किया और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए लगातार कोशिशों की पटरी पर दौड़ रहे हैं। अनाज की कमी से निर्यातक बनने का सफर। आजादी के समय देश में नहीं था पर्याप्त अनाज। 1950 से 51 में सिर्फ 5 करोड़ टन का खाद्यान्न उत्पादन। अनाज की कमी से भुखमरी थी अपने चरम पर। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था नारा, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, एक वक्त उपवास करो, देश को अपना मान दो। समय के साथ बदल चुका है आज का भारत। खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे नंबर पर है भारत। बदलती दुनिया के साथ आज भारत भी विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ने लगा है। धरती से लेकर आसमान तक, मंगल से लेकर चांद तक, पैसेंजर से लेकर बुलेट ट्रेन तक, झुग्गी से लेकर पक्के आवास तक, सभी पहलुओं पर आज भारत अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन तेजी से कर रहा है। आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन वक्त के साथ भारत की तस्वीर बदली और आज भारत अनाज उत्पादन में दूसरे स्थान के साथ साथ विदेशों में भी अनाज निर्यात कर रहा है। यही कारण रहा कि पिछले 10 सालों में किसानों की आय दोगुनी हो गई। डिजिटल क्रांति ने तो भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। आज भारत के लोगों को अपने पैसों को जमा करने और निकालने के लिए बैंक की लाइनों में धक्के नहीं खाने पड़ते। साथ ही देश में चल रही सभी गतिविधियों की खबर पल पल में उनके पास उपलब्ध हो जाती है। अब तक क्या क्या बदला भारत में? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण, बेहतर विदेश नीति, धारा 370 विवाद खत्म, रेलवे सुधारीकरण, नेशनल हाईवे में क्रांतिकारी परिवर्तन, किसानों की आय दोगुना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, नई शिक्षा नीति, आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव, राम मंदिर मुद्दा सुलझा, नई तकनीक का विस्तार। आजादी के 7 दशकों के सफर में देश की महिलाओं के भी जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर हक दिलाने वाले कानूनी अधिकार समेत कई और भी अधिकारों को प्रदान कर महिलाओं को मजबूत बनाया गया है। साथ ही 3 तलाक जैसे बंधनों से छुटकारा मिलना भी महिलाओं को आजादी दिलाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। आज देश की महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर देश के बहुआयामी विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।